नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत सुंदर बात करने वाले हैं कुछ अपने सेहत के बारे में। तो वीडियो को बेगर भगाए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को एक लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा जीवन जीना है तो और अच्छा से रहना है तो और हर बीमारी से अगर बच करके रहना है। आजकल आप लोग देखते भी हैं कि बहुत भयंकर भयंकर बीमारी चल रही है, तो उससे जो है छुटकारा पाने के लिए हम लोगों को क्या चीज़ करना पड़ेगा और कौन सा चीज़ खाने से हमारे शरीर में बीमारी नहीं होगी और कौन सा चीज़ खाने से बीमारी तुरंत हो जाएगी। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि छोटी सी चीज़ों को हम अनुमान दे रहे हैं आपको, उसी के सहारे आप लोगों को और वीडियो भी देंगे। दोस्तों बहुत सभी लोग चिवड़ा भी खाते हैं, तो अगर आप उसी चिवड़ा को अगर चीनी थोड़ा सा डाल करके खाते हैं तो वो पेट खराब नहीं करेगा, लेकिन अगर उसमें चीनी नहीं डालिए और खाली सूखा चिवड़ा खाइए तो उस समय पेट जो है दुखने लगेगा या पेट झड़ने लगेगा। अगर आप पालक का सब्जी ज़्यादा खा लेते हैं तो आपको क्या होगा कि पेट झड़ने लगता है। अगर ज़्यादा मछली खा लेते हैं तो पेट खराब हो जाएगा ज़्यादा, या कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हानिकारक होती है। तो चलिए हम बताते हैं कि कौन सा चीज़ खाने से कौन बीमारी नहीं होती है। सबसे पहले चलिए भयंकर बीमारी के पास। दोस्तों सबसे पहले अगर आप लोगों को लकवा फालिस की बीमारी से बचना है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, लकवा फालिस से बचने के लिए सबसे पहले सुबह में जगना है तो आप लोगों को लेटरिन बाथरूम जाना है, उसके बाद में आना है तो आपको पहले पैर धोना है, उसके बाद में मुंह धोना है। ऐसे करने से फिर लकवा फालिस की बीमारी किसी को नहीं होगी, पहला नंबर। दूसरा नंबर, अगर आप मछली खाते हैं तो आपको लकवा फालिस जैसे भयंकर बीमारी नहीं होगी, क्योंकि खून जो है उसमें ऐसा एक होता है उसमें केमिकल मछली में कि जो लोग खाते हैं मछली उनको लकवा फालिस की बीमारी नहीं होगी। जो लोग दही खा सेवन ज़्यादा करते हैं उनको कभी भी लकवा फालिस की बीमारी हो सकती है, क्योंकि दही खाने वाले लोगों को लेटरिन बाथरूम लगती है तो वो पता नहीं चलता है कि कब लगा है और भीतरे भीतर वो गैस बना लेता है। गैस बनाने के कारण लेटरिन कभी काल सूख भी जाता है, तो जब भी लेटरिन सूख गई तो समझिए कि लकवा फालिस के शिकार हम लोग हो गए। और मछली खाने से ये होता है कि अगर आप मछली खाए हैं तो ऐसा होगा कि आपको किया समझिए कि कपड़ा खराब होगा लेटरिन के चलते, या आपको लेटरिन लगेगा तो महसूस होगा तुरंत तो आप जाएंगे, लेकिन दही खाने वाले लोगों को ज़्यादा नहीं समझ में आता है, इसीलिए जो है लकवा फालिस की बीमारी हो जाती है। और दही ज़्यादा खाने से गाय का समझिए कि अगर भैंस का दूध खाते हैं तो आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। अस्थमा वाले को जिनको सांस फूल रहे उनको भैंस का दूध खाना चाहिए, जिनको ज़्यादा ठंडी है शरीर में उनको भैंस का दूध खाना चाहिए। गाय का दूध, जर्सी जो गाय है उसका दूध भूल करके भी किसी को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये वो इतना ठंडा होता है। अगर आप लोग लगातार खाएंगे, लगातार भैंस का गाय का दूध खाएंगे तो आपको समझिए कि बाएं अंग में फलेरिया की बीमारी होना निश्चित है और बायां अंग में लकवा फालिस की बीमारी होना निश्चित है। इसीलिए जिस गाय के पीठ पे ककूट है यानी उसको तिल कहा जाता है, बड़ा तिल है, उस गाय का दूध अगर आप लोग खाते हैं तो आपको भयंकर से भयंकर बीमारी से आप बच जाएंगे, क्योंकि उसमें सर्वोत्तम माना गया है, उत्तम दूध माना गया है। क्योंकि आप लोग देखते ही हैं कि गाँव में बहुत सभी लोग हैं लेकिन बहुत सभी लोगों की आचरण दूसरे डिजाइन का होता है, जैसे कि जो पंडित ब्राह्मण लोग हैं कि पूजा पाठ करते हैं दूध दही खाते हैं तो दही कम खाते हैं या पूरी भी खाते हैं, लेकिन दही खाना चाहिए दही, लेकिन मछली जरूर खाना चाहिए। जो लोग मछली का भी सेवन करते हैं दही का भी बराबर मात्रा में, समझिए कि आप दही भी खाते हैं मछली भी खाते हैं तो आपको बीमारी होने की संभावना नहीं रहेगी। बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि दही ये खाते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को जो है लकवा फालिस की बीमारी होने की संभावना बन जाता है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मछली भी जरूर खाइएगा, अगर हफ्ता में ज़्यादा नहीं तो एक बार जरूर खाइएगा। मछली खाने वाले लोगों को लकवा फालिस की बीमारी कभी नहीं होती है। अब चलिए हम बताते हैं और चीज़ों के बारे में। दोस्तों बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि अपना गलत व्यवहार कर लेते हैं, तो गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनके घर में कभी बरकत होती है, माता लक्ष्मी आती है। आप लोग इसी से समझना चाहिए कि हमारे धरती कितना करोड़ों बरस की हो गई लेकिन
लड़का और लड़की की शादी जो होती है वो बराबर मात्रा में होती है। ये नहीं है कि कभी लड़का ज़्यादा हो गया लड़की ज़्यादा हो गई तो हमारे गांव में नगर में हमारे देश में शादी ब्याह रुक गया। आजकल कभी नहीं ऐसा हुआ है। तो इसीलिए अनुमान भगवान का दिया हुआ जन्म कर्म से पता चलता है कि भगवान यहाँ है, नहीं तो बराबर मात्रा में कैसे लड़का लड़की का शादी आज तक होते आ रहा है। तो दोस्तों ऐसे वीडियो की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किसी से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मानव जो है अपने भाई भाई है, मिलजुल करके रहना चाहिए, खाना पीना अच्छा से खाना चाहिए। अब रह गई बात बीमारी के, तो दोस्तों देखिए जो लोग खाना में हरा मिर्च या लहसुन कूट करके डालते हैं तेल में, उसके बाद में उसमें सब्जी बनाते हैं, जीरा मरीच लहसुन सभी मसाला जो है आयुर्वेदिक चीज है, इस मसाले को सब्जी में डालने से ये होता है कि हमारे जो पेट की गैस रहता है वो सर सर निकलता है, तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। कोई भी बीमारी जो होती है वो पेट के गैस के कारण होती है। जब हम लोग अपना नियम बदल देते हैं तभी बीमारी होती है। अगर ये बीमारी हमारे शरीर में है तो कभी भी हरदम बीमारी होनी चाहिए, लेकिन कभी काल क्यों हो जाती है, इसलिए होता है कि जब हम लोग खान पान गड़बड़ करते हैं तभी हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न होती है। और जो है मीट मछली खाने से होता है कि हमारी मोटापा बनता है, सेहत बनती है, हॉर्लिक्स दूध खाना चाहिए, मौसमी का जूस पीना चाहिए, पढ़ने वाले बच्चे को सेब खाना चाहिए, दिमागी कमजोरी दूर होगी और दिमाग जो है वो अच्छा होगा, चेहरे पे दाग धब्बे फोड़ा फुंसी ये बिल्कुल नहीं होगी। इसीलिए दोस्तों सेब जरूर खाना चाहिए। जो लोग सेब का सेवन करते हैं उनकी दिमाग जो है तेज होता है। और पढ़ने वाले बच्चे को सेब खिलाना चाहिए, गाय का देसी दूध खिलाना चाहिए। अब चलिए अगर आप काला से काला हैं आपकी औरत या आप अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे गोरा हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों आप गाय का दूध जब से गर्भ रह जाए पेट में किसी भी औरत को तो देसी गाय का दूध पिलाइए, उसका बच्चा जो है सुंदर होगा, एकदम गोरा कलर का होगा, सुंदरता होगी, थोड़ा फार फल फ्रूट खिलाइएगा तो इतना उस बच्चे को जो है सुंदरता आ जाएगी उनके शरीर में कि आप देख करके चौंक जाएंगे। और कोई भी है भगवान का दिया हुआ जो भोजन है फल फ्रूट है उसको, लेकिन ज़्यादा गर्भवती औरत को मछली नहीं खिलाना है, मटन चिकन नहीं खिलाना है क्योंकि वो बज्जर होता है। कभी भी खिलाना है गर्भवती औरत को तो दाल खिलाना है और दाल का पानी खिलाइए, या और गर्भवती औरत को एक काम और करना है, छुहारे जरूर खिलाना है। छुहारे खिलाने से जब बच्चा होगा बड़ा तो उसका जो है, कभी कभी बच्चे लोग को ये बीमारी लग जाती है कि बिस्तर पर पेशाब निकलना है, तो वो बीमारी नहीं लगेगी। अगर आप लोग के बाल बच्चे को बिस्तर पर पेशाब निकल रहा है तो एक छुहारे उस बच्चे को खिलाइए, या दूध पीने वाला बच्चा है तो उसको क्या कीजिए कि एक या दो उसके माँ को छुहारे खिलाइए, तो पेशाब जो है बार बार आता होगा तो वो रुक जाएगा, अच्छा से पेशाब आने लगेगा और सुंदर पेशाब आने लगेगा। दोस्तों कोई भी बीमारी होती है खान पान के जरिए अगर हम लोग खान पान अच्छा से खाएंगे पिएंगे तो कोई प्रकार की दिक्कत हमारे शरीर में नहीं होगी। इसीलिए खाने से पहले अनुमान मिलाना चाहिए। दोस्तों सभी बीमारी में पैसा ज़्यादा लगता है। कभी भी मास्टर लोग क्या करते हैं कि सरकारी हो गया या प्राइवेट हो गया स्कूल में शिक्षा बच्चे लोगों की इसीलिए देते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ा लिखा रहेगा तो बुद्धि से पैसा कमाएगा। कोई ये नहीं कि सोना है या चांदी है, किसी का शरीर माटी का है लेकिन उसके बुद्धि से, कोई भी आजकल देखते ही है कि कोई बिजनेस कर रहा है तो अपने बुद्धि से कमा रहा है, तो वो पढ़ा लिखा है या कुछ भी है तो दिमाग का पूजा करना चाहिए। दिमाग के बल से ज़्यादा दिमाग की पूजा होती है, दिमाग से आप चाहेंगे वो खरीद सकते हैं, तो किसी से दिमाग लेना चाहिए। दोस्तों दवाखाने के दुकान पर लिखा रहता है दवा खाना, अगर हम लोग खाना को दवा की तरह खाएंगे, सही से ध्यान से आप समझिएगा तब समझ में आएगा कि दवा खाना, अगर हम लोग खाना को दवा की तरह खाएंगे तो कोई प्रकार की बीमारी नहीं होगी। ये सोचना चाहिए कि हमारे शरीर में कौन सी बीमारी उत्पन्न हो रही है, क्यों हो रही है, आज हम लोग कौन सा खाना खाए हैं कि हमारा शरीर अच्छा है, कल कौन सा खाना खाए थे कि हमारा पेट या शरीर गड़बड़ हो गया। आप लोग नहीं मानिएगा तो क्या कीजिएगा कि लगातार आप दही खाली खाइएगा ठंडी के मौसम में, तो आपको सर्दी जुकाम बुखार पकड़ लेगा। तो आपको इससे भी अनुमान में लाना चाहिए कि कोई भी बीमारी खान पान की होती है। असली जो डॉक्टर है वो क्या करता है कि खान पान के जरिए बताता है कि ये चीज़ नहीं खाना है, वो चीज़ नहीं खाना है, ये खाने से हो रहा है, ये खाने से। दोस्तों खान पान अगर आप लोग सही कर देंगे तो आपके पास में बीमारी तो बीमारी है, बीमारी का बाप भी नहीं आएगा। अगर आप लोग को भूख भी नहीं लगता है तो त्रिफाला लाइए,
हरे 100 ग्राम, 100 ग्राम बहेरा, 100 ग्राम आंवला, उसको कूट पीस करके चूर्ण बनाइए। चूर्ण बनाने के बाद में उसमें 50 ग्राम या 25 ग्राम अपने स्वाद के अनुसार काला नमक कूट करके रख डाल दीजिए उसमें। और डालने के बाद में एक शीशी में भर करके रख दीजिए। शीशी में भर करके रखने के बाद में आपको खाना खाने के बाद में खाना है, इतना भूख लगेगा, इतना भूख लगेगा कि आप लोग कुछ भी खा जाएंगे। लेकिन ज़्यादा भूख लगे तो ज़्यादा खाना नहीं खाना है। और इस बात पर आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा कि कभी भी लेटरिन बाथरूम लगे तो सुबह के समय में लेटरिन बाथरूम तुरंत जाना चाहिए, उसके बाद में कोई काम में लगना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि वो लेटरिन लगा हुआ रहता है लेकिन माल जल के द्वार पर है, भैंस है, गाय है, वो क्या करते हैं कि भैंस गाय बांधने शुरू कर देते हैं कि पहले बांध देते हैं भैंस गाय, उसके बाद में लेटरिन जाएंगे, तब तक वो गैस बन जाता है। आप लोग देखे भी होंगे मेले में जो गुब्बारा रहता है थोड़ा सा भी हवा ज़्यादा होता है तो फट जाता है, वैसा ही हम लोग, आप लोग देखे भी होंगे कि कितने लोग लेटरिन जाते वक्त गिर करके मर गए। तो ऐसे बीमारियों से बचना है तो सबसे पहले अपने आप को किसी भी काम में अगर आप आए लेटरिन लग गई, पेशाब लग गई, तो उसको नहीं रोकना चाहिए। अगर उसको रोकते हैं तो बीमार पड़ जाएंगे, तो काम से बढ़ करके ये हमारा शरीर हो जाएगा। जब शरीर नहीं रहेगा तो काम किस चीज़ का रहेगा। मानते हैं कि अगर हम रोक करके रखते हैं कि पहले ये काम करेंगे तो उससे ज़्यादा तो हमारे शरीर में बीमारी फैल जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले लेटरिन बाथरूम जाइए, आपको नहीं बीमारी होगी नहीं कोई प्रकार की दिक्कत होगी। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन अब चलिए अब क्या करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसा ही वीडियो देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।